आज 24 जून को पिछोर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शुभ साधना भवन पर मातेश्वरी जगदम्बा ने अपना पुराना ध्येय त्याग कर संपूर्णता को प्राप्त हुई। उनकी याद में आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। मातेश्वरी के इस यज्ञ में छोटी सी उम्र ब्रह्मा बाबा के पास आई, ज्ञान योग में 100% फॉलो किया और सभी गुण शक्तियां ईश्वरीय नियम मर्यादा सभी को धारण करते हुए सभी ब्रह्म वत्स की पालन करती थी। भगवान की सच्ची सच्ची मीरा बनकर सभी को इसने वही ज्ञान मुरली सुनाती थी। ज्ञान का स्पष्टीकरण विशेष रूप से सभी को बहुत आसानी से समझ में आता था। उनकी योग की अनुभूति इतनी पवित्र थी कि कोई भी अपने काम उनकी दृष्टि से बन जाते थे। आज हम उनकी याद में यहाँ पर ब्रह्मा भोजन हर 24 जून को रखते हैं। उसी क्रम में आज पिछोर संस्था पर ब्रह्मा भोज का आयोजन किया गया। गया मातेश्वरी वीणा सितार बहुत अच्छा बजाती थी। वहीं इंग्लिश हिंदी कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। सभी पर दया दृष्टि रखते हुए सभी को बहुत प्रेम से समझाने देते हुए कार्य करती थी। इसी तरह इस आयोजन को पिछोर के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शिव साधना केंद्र पर किया गया। सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। दीदी, आज ये संस्था पर ब्रह्मा भोज कराया गया और क्या कुछ कहेंगी इस बारे में? ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विद्यालय शिव साधना भवन में आज मातेश्वरी जगदम्बा का स्मृति दिन मनाया गया है, जिसे पिछोर के सभी गणमान्य नागरिक आए हैं और माता श्री जी को आज सभी ने फूल अर्पित किए हैं। उनकी प्रेरणाओं को लेकर हम सब ने संकल्प किया है कि बाबा का यज्ञ ब्रह्म कुमारी सेंटर को पिछोर क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ उनके स्मृति दिवस पर ब्रह्मा भोजन भी रखा गया है। इसमें सभी ब्रह्मा वत्स ने भोजन भी स्वीकार किया और सभी उनकी प्रेरणाओं को लेकर हम सब आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम सबका संकल्प है।